कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज जम्मू कश्मीर में उसकी कैपिटल में श्रीनगर में यहां खड़े होकर इस दिन को मनाने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का वो सपना सच हो रहा है, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता का साथ उसके लिए जीने मरने का सपना सच हो रहा है। और उस दिन जब यहाँ पर तीन तीन चुने हुए जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हों तो ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का ड्रीम कम ट्रू है। हमारे नेता जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित किया, अर्पित किया, उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि श्रीनगर के कार्यकर्ताओं ने दी है। एक नया कश्मीर का नारा दिया गया है। नया कश्मीर में देखा जाए तो माइनॉरिटीज किलिंग भी बढ़ जाती है और डेवलपमेंट के एतबार से भी बहुत कम है, मैं देखने को मिला 2019 से आर्टिकल। देखिए अभी आपके सामने जब वक्तव्य रखा गया तो 70 सालों के संदर्भ में बहुत सारी बातें आई। अगर श्रीनगर में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है कोई पूछे तो क्या जवाब मिलता है? शायद एसपी कॉलेज का नाम बनाते हैं। कब बना, कब बना एसपी कॉलेज? आजादी से पहले बना। इस 70 साल में उन लोगों ने क्या दिया हमें? हम जम्मू कश्मीर को देश के साथ एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, वहां तक लेकर जाएंगे। उसके लिए जो समय लग रहा है और उसको प्रोसेस को डिरेल करने का काम जो जमात के इशारे पे, पाकिस्तान के इशारे पे करते हैं, उनसे भी लड़ा जा रहा है। उन लोन वुल्फ अटैक करने वालों से भी लड़ा जा रहा है, टारगेटेड किलिंग वालों से भी लड़ा जा रहा है। उसको समय समय पर वो लोग इस प्रोसेस को डिरेल करने का काम करते हैं। इसलिए आज पाइप्ड वाटर में श्रीनगर देश का सबसे पहला जिला बना, बड़गाम सबसे पहला जिला बना जहाँ हर घर तक पानी पहुँचाने का काम किया गया है। वोट की राजनीति के बिना वहाँ ये सब करने का काम किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की सरकार है। तो क्यों इलेक्शन का क्या प्रोसेस है? देखिए इलेक्शंस के संदर्भ में डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिलिमिटेशन के बाद अपने आप थोड़ा नीचे कर ले तेरे प्यारा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने तरीके से चल रहा है, डिलिमिटेशन हो गया है। अब उसके आधार पर नई वोटर लिस्ट का काम होगा और उसके प्रोसेस के हिसाब से जल्द चुनाव होगा।